Sudhiti Naman and a very pleasant morning students, how are you? I hope you all are fine. And as you remembered that I have given you some chapters of English grammar for test and I hope you all have prepared these chapters and ready for test. So I am going to explain your test paper. Question number one, write the definition of pronoun with example. In the question number one, you will have write the definition of pronoun and you will also write examples. आपको क्वेश्चन नंबर वन में प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें आपको एग्जांपल भी लिखने हैं. यदि आप एग्जांपल नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर टू, राइट कलेक्टिव नाउन्स फॉर दीज ग्रुप्स. आपको कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं नीचे और इन ग्रुप्स के लिए आपको कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं. एज ए नंबर डैश ऑफ बुक्स, बी डैश ऑफ लॉयंस, सी डैश ऑफ कीज, D dash of musicians, E dash of students, F dash of elephants. I am just giving you some examples. आपको collective noun का ये question किस तरह से करना है. जैसे group of fish, fish के group को हम क्या कहते हैं? Shoal. Okay. And group of ants, we say colony. तो इसी तरह से आपको ग्रुप ऑफ बुक्स, तो बुक्स के जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, वो आपको वर्ड यहाँ पर लिखना होगा. ओके, इन द सेम वे यू विल डू दिस थ्री ग्रुप्स. क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, राइट दियर नेम्स. नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं. फर्स्ट यू विल राइट द टाइप्स ऑफ नाउन्स, कि आपके नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आपको काउंटिंग लिखनी है. आफ्टर दैट यू विल राइट द names of nouns. Okay, question number four, pick out proper nouns and common nouns from the following sentences and write in correct columns. आपको नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं. You can see here that there are three sentences and you will find out proper nouns and common nouns in these sentences. आपको इन sentences में से common noun और proper noun को find out करना है और आप अपनी notebook में same इसी तरह से columns बनाएंगे. First of all, you will prepare column for question number four and one column you will write proper noun and in the second column you will write कॉमन नाउन. आप दो कॉलम बनाएंगे, उसमें पहले कॉलम में आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे कॉमन नाउन. आफ्टर दैट यू विल रीड आउट द सेंटेंसेस. उसके बाद आप सेंटेंसेस को रीड करेंगे. जो प्रॉपर नाउन है उनको आप प्रॉपर नाउन के कॉलम में लिखेंगे और कॉमन नाउन जो है वो उनको कॉमन नाउन के कॉलम में लिखेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेंटेंसेस. ए नंबर, मुंबई इज़ अ बिग सिटी. B, Sunday is holiday. C, English is my favorite subject. There are three sentences only. यहाँ पर सिर्फ आपके तीन sentences हैं. इन तीन sentences में से आपको proper noun और common noun को find out करना है. Okay, once again I am telling you, in question number वन you will have to write the definition of pronoun with example. आपको pronoun की डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित लिखनी है. क्वेश्चन नंबर टू में आपको कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, उन ग्रुप्स के लिए आपको कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स लिखने हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके नेम लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर फोर में आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को सेंटेंसेस में से फाइंड आउट करना है. देयर आर थ्री सेंटेंसेस, ये थ्री सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनमें से आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड आउट द सेंटेंसेस एंड आफ्टर दैट यू विल राइट प्रॉपर नाउन इन प्रॉपर नाउन्स कॉलम एंड कॉमन नाउन इन कॉमन नाउन्स कॉलम. इन दिस वे यू विल कम्प्लीट योर टेस्ट पेपर एंड एट लास्ट it is my humble request to the parents also that these tests are beneficial for your ward. ye jitne bhi test hain bachchon ke liye bahut hi helpful hain. so it's my request to you, please ask your ward to do these tests in his notebook. okay, till then have a nice day.